नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। सिंगरौली जिले की पूर्व से ही विवादों में रही रेत खदान भरसेड़ी में नहीं रुक रहा अवैध रेत उत्खनन। खनिज विभाग भी गहरी नींद में सोया। ग्राम पंचायत भरसेड़ी के नाम पर खदान संचालित, किंतु बाहरी दर्जन भर दबंग ठेकेदारों द्वारा चलाई जा रही है रेत खदान। गोपद नदी का सीना चीर कर मोटी रकम की चल रही हिस्सेदारी। सरकार में बैठकर लोगों को नहीं है ग्रामीणों की कोई परवाह। हथियारबंद लोगों का खदान में रहता है कब्जा, जिससे गांव में दहशत का माहौल, ग्रामीण भय की हालत में रहने को मजबूर। पूर्व सांसद मानिक सिंह ने हथियारबंद लोगों के साथ खड़े होकर कराई थी रेत खदान चालू। आने वाले समय में कभी भी गांव में हो सकता है खूनी संघर्ष। पहले भी इस खदान में हो चुका है जानलेवा हमला। ग्रामीणजनों के द्वारा जिला कलेक्टर सिंगरौली को खदान बंद करने का दिया जा चुका है ज्ञापन। आए दिन कई मीडिया चैनल के द्वारा रेत खदान का मुद्दा उठाए जाने के बावजूद भी जिला प्रशासन व सरकार पर नहीं हो रहा कोई असर। शासन प्रशासन नहीं ले रहा है किसी भी प्रकार का एक्शन। गाड़ियां लोडिंग हो रही हैं, और हाईवा में कितना लोडिंग चार्ज आप देते हैं? अच्छा, यहाँ जहाँ से गाड़ियाँ आती हैं आपकी वहाँ जमीन पड़ती है? हमारी जमीन है, वहाँ का पैसा नहीं देते हैं। क्या आप उसमें कुछ मतलब पैसा मांगते हैं तो ये सब नंबर भेजते हैं? अच्छा, कहते हैं फॉरेस्ट में है। ये मैं कह के मेरा पैसा नहीं देते हैं ये लोग। और यहाँ एक दिन में कितनी गाड़ी लोड हो रही है? गाड़ी अब यहाँ से अभी तब लगे हैं। दिन भर में कितनी गाड़ी निकल जाती है? 300 गाड़ी निकलती है। 300 गाड़ी निकल जाती है। लोडिंग किस तरीके से हो रही है? लेबर लोडिंग नहीं देते हैं। खबर समय जगत के लिए सिंगरौली से आशुतोष सिंह की रिपोर्ट। समय जगत एक संदेश पूरा देश।